मिस्टर पावेल कुजमिन मिस्टर राहुल नार्वेकर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे प्रोफेसर संजय देशपांडे आल्सो प्रेजेंट हियर मिस्टर मिलिन कांबड़े सुनील कांबले सुधाकर भालेराव मिस सुनील वारे ऑल द Dignitaries, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to thank the Margarita Rudomino, Moscow State University for installing burst of the great humanist poet, writer revolutionary literature par excellence Lok Shahir Saitibhushan Sathe. in this beautiful and historic city of Moscow. I would also like to thank Mumbai University for taking up this initiative which has made all of us witness this very historical moment. I would like to also thank the dignitaries for giving me this opportunity to be part of history by unwilling. The statue at my hands. All of us know the work of Anna Bhosate was for have nots, for those who did not have voice, for those who were marginalized, who were discriminated. And the power of his words was so immense that even those who never thought about raising their voice could transform into revolutionaries. I'm very happy that he has a great connect.

कि महाराष्ट्र के और भारत के एक ऐसे व्यक्ति का स्टैचू आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है जो वंचितों के आवास थे जिन्होंने अपने जीवन में मात्र एक दिन स्कूल में पढ़ाई की थी क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं मिली और 11 साल की उम्र में जो व्यक्ति दो किलोमीटर पैदल चलकर मुंबई आया और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के उस व्यक्ति ने सैतीस पुस्तकें उन्नीस कथाएं 14 फोक प्लेस, ग्यारह पुवाड़े तीन नाटक और सौ से ज्यादा गाने लिखे और हर गाने में और हर कथा में सामाजिक आशय था और विशेष रूप से उनका जो कंट्रीब्यूशन भारतीय स्वतंत्रता के समर में गोवा की मुक्ति में और संयुक्त महाराष्ट्र में है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके हर शब्द से एक अंगार लोगों के बीच तैयार होता था और उस अग्नि से सामान्य व्यक्ति प्रज्वलित होकर एक प्रकार से आवाज अपनी बुलंद करता था और फकीरा जैसी उनकी पुस्तिका ने इस प्रकार के चरित्रों को सामने लाया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी जिन्होंने लड़ाई की और मैं ऐसा मानता हूं कि अन्ना भाव साठे भारत और रशिया के बीच एक रिश्ता थे इसलिए उनका स्टैलिन का पुवाड़ा हो या फिर उन्होंने जब रशिया का दौरा किया उस समय के उनके अनुभव हो इन सारी चीजों ने एक बहुत ही रशिया और भारत को करीब लाने का प्रयत्न किया है विशेष रूप से आज हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से प्रेरित थे और जैसा उल्लेख किया कि रशिया की क्रांति से भी उनको प्रेरणा मिली थी उनको भारत का मैक्सिम कोर्खी भी कहा जाता है और वे में मानते थे कि हम तो हमारी संस्कृति में मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के मस्तक पर है लेकिन अन्ना भाव साठे कहते थे पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं है पृथ्वी ये मजदूरों की हथेली पर है ऐसा कहने वाले अण्णा भाव साठे इन्होंने मजदूरों की दलितों की शोषितों की पीड़ितों की बात को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है वैसे तो समय कम है अण्णा के बारे में जितना कह सके उतना कम है ये केवल व्यक्ति नहीं थे वे एक संस्था थे ही वॉज अ यूनिवर्सिटी इन हिमसेल्फ वो खुद एक विद्यापीठ थे और ऐसे व्यक्ति का एक स्टैचू आज इस यूनिवर्सिटी में लग रहा है आई वुड लाइक टू थैंक यू मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एक बहुत ही अनोखा और गौरवशाली इस प्रकार का क्षण है और इस क्षण का साक्षीदार होने का मौका आपने दिया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत जय रशिया